हेलो बेटा जी, आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम तूफान हैं, बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट्स के बाद में यू पीपल आर रियली डूइंग वेल। तो कैसा है यारों कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं हर बार हम बहुत 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 खुश होते हैं जब हमारे बच्चे बहुत बेहतरीन। बट साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगला अटेम्प्ट देना। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा उन बच्चों के ऊपर जिन बच्चों को अब जून अटेम्प्ट देना है, किसी कारण से दिसंबर अटेम्प्ट पास नहीं हुए, अटेम्प्ट नहीं दिया था, एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर जून अटेम्प्ट। तो होता क्या है कि दिमाग में हजार प्रकार के सवाल होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड वापस हम लोग लेकर आ रहे हैं सेम चीज जो हमने पिछली बार भी की थी, अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, शुरू करने के पहले सबसे पहले वापस मैं उन बच्चों से बात करूंगा कि जिन बच्चों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया दिया अटेम्प्ट, दे गॉट सुपर्ब रैंक्स एंड वंडरफुल मार्क्स। एक चीज ध्यान रखना बेटा जी, आप ये मत सोचिएगा कि आप अपने शिखर पे पहुंच चुके। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है जब एआई आती है, अभी मैं बच्चे से बात कर रहा हूं, एआई 1 एआई 2, इन बच्चों को सोचते हैं हम श्योर, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, 100% एंजॉय योरसेल्फ। बट ये मत सोचिएगा कि आप शिखर पे पहुंच चुके हैं, ये एक नई पहाड़ी की शुरुआत है। सोचिएगा कि यू हैव टू एंश्योर दैट यू मेक दिस रैंक और दिस वंडरफुल रिजल्ट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एवरीवन हुस क्लियर्ड एंड हु हैज कंप्लीटेड हिज कोर्स। जो सीएस बन चुके हैं बच्चे, बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बच्चे सीएस बने इस बार। तो आप बच्चों को कोशिश करनी है कि दिस इज नॉट द शिखर, दिस इज नॉट द एंड पॉइंट, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू फ्रेश शिखर। तो नया ध्येय, नया एक लक्ष्य बनाइए और उसकी तरफ आगे बढ़िएगा। बट उसके पहले टेक अ ब्रेक, एंजॉय योरसेल्फ, ओके। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब बच्चों के ऊपर है। मेरी जिन जिन रैंकर से बात हुई कल, आई थिंक ऑफिस में मिलके गए थे, एयर 3 एयर 6, उसके अलावा कल मेरी एयर 1 और एयर 2 से फोन पे बात हुई थी, उसके अलावा जो भी हमारे रैंकर्स हैं उन बच्चों से मेरी बात हुई, मैंने उन सबको एक चीज बताई कि कोशिश करिएगा कि अपने जूनियर्स को सही गाइड करें। ये वो बच्चे हैं जिनका सीएस हो चुका है, ठीक है, नाउ दे विल बी वर्किंग फॉर देयर आर्टिकलशिप इंटर्नशिप समवेयर। तो एक चीज कोशिश करेगा, हर वो बालक जो वीडियो देख रहा है जो कि क्लियर हो चुका है, अब सीएस बन चुका है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा प्रोफेशन कब बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा, व्हेन यू विल बी हेल्पिंग योर जूनियर्स। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो जितना हो सके अपने जूनियर्स की मदद करो, अपने फेलो स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं हुए उनकी मदद करो टू क्लियर द एग्जामिनेशन, टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस और टू शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो बच्चों आप लोगों ने फॉलो किए, जिस तरह से आप लोग एकदम बने रहे एंड यू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा जी, अब लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो यारो ऐसा है कि जो भी बच्चे ऐसे ना जो क्लियर नहीं हुए, उनके दिमाग में हजार सवाल होंगे। शांत मन से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जी, जस्ट स्माइल यार, जस्ट स्माइल। एक चीज आपको समझना होगा दैट यू हैव एनरोल्ड फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट एंड पार्सल है दिस थिंग। तो जब भी एग्जामिनेशन में रिजल्ट आएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप जब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो ये पार्ट एंड पार्सल है। तो स्टेप वन जो हर एक बच्चे को करना है जो किसी कारण से क्लियर नहीं हो गया, दैट इज अब्सॉर्ब द रिजल्ट। अब्सॉर्ब द रिजल्ट, पहले इस रिजल्ट को अब्सॉर्ब करो, पहले इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, पहले इस रिजल्ट को अब्सॉर्ब करो, एक्सेप्ट करो। जल्दबाजी में पढ़ाई करना शुरू मत करो। होता कैसा है कि आपके दिमाग में एक इमोशन है, आप उस इमोशन को पूरा कंप्लीट ही नहीं किए और आप सीधे पढ़ाई करना शुरू कर दिए, तो 3-4 दिन की पढ़ाई करोगे अगेन यू विल कोलैप्स। मत करो ऐसा, सबसे पहले उस इमोशन को अब्सॉर्ब करो, मानो ये चीज कि आप किसी कारणवश फेल हो चुके हैं, फ्लंक हो चुके हैं, एक्सेप्ट करो उस फैक्ट को दैट यू हैव फ्लंक्ड, यू हैव फेल्ड। ठीक है, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन अपर एंड पे लेके चलो कि 4 दिन पढ़ाई नहीं भी की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है जब 5वें दिन पढ़ाई शुरू करेंगे ना, तब एंड तक जून अटेम्प्ट के लास्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक भी आपके कॉन्फिडेंस में 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब्सॉर्ब द इमोशन, पढ़ाई मत करो नहीं करनी है तो 3-4 दिन, एंड लेट योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि हाँ यार किसी कारण से मैं क्लियर नहीं हो पाया, एक्सेप्ट करो उस फैक्ट, पहली चीज। फिर दूसरी चीज आती है दैट प्लान नाइस। सबसे पहले इस चीज को अच्छे से एक्सेप्ट करना है, उसके बाद दूसरी चीज आती है बेटा जी कि आपको अच्छे से आप प्लान करना, समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। क्या बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं जनरल बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से, प्लान करिए बहुत अच्छे से। क्योंकि कैसा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है प्रोफेशनल्स का, उसने 3 ग्रुप दिए थे, उसके 2 ग्रुप क्लियर हो गए, 1 नहीं हुआ, तो उसके लिए लाइफ बड़ी आसान है ना, कि थोड़े दिन खुद को संभालेगा एंड फिर उस 1 ग्रुप की तैयारी करेगा, इट्स इजी। द डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग पार्ट इज फॉर दो स्किल्स के जिन बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव दिया था, 2 ग्रुप दिया था, 1 भी क्लियर नहीं हुआ, प्रोफेशनल 3 ग्रुप दिए थे, 1 भी क्लियर नहीं हुए, एग्जीक्यूटिव में 1 ही ग्रुप दिया था वो क्लियर नहीं हुआ और दूसरा ग्रुप अभी तक देना भी बाकी है, उन सब बच्चों को बहुत केयरफुली भी प्लान करना होगा कि जून में आपने 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, प्रोफेशनल वाले बच्चों ने 3 ग्रुप देना है, तो कितने ग्रुप्स देना है ये प्लान। अब सुनो, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, राइट, जिसके बच्चे जानना चाहते हैं कि अब हम 1 ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें।
एक बात आपको ये समझनी होगी बेटा जी कि कोई भी व्यक्ति शुभम शुक्लेचा भी आपको ये बता नहीं सकता कि बेटा तू एक ग्रुप देगा तो पास हो जाएगा, तू दो ग्रुप देगा तो पास हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे कितना कॉन्फिडेंस है कि आप एक ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके कॉन्फिडेंस है कि आप दो ग्रुप क्लियर कर सकते हैं, तूफान तरीके से दो ग्रुप की तैयारी करो, आप 100% क्लियर हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं एक ही दे सकता हूँ, रिस्पेक्टिव ये वाला मैं एक ग्रुप दे पाऊंगा, आप उसकी तैयारी करो, आप क्लियर हो जाओगे। कौन सा बच्चा क्लियर नहीं होगा ये मैं बताता हूँ। एक बच्चा जिसने अभी एक डिसीजन लिया कि मैं दो ग्रुप, फिर 15 दिन बाद ही रीथिंकिंग अबाउट डिसीजन कि नहीं यार दो नहीं एक ही देना चाहिए था, वो व्यक्ति पास नहीं होगा। एक व्यक्ति जो अभी सोचता है कि मैं एक ग्रुप दे देता हूँ और 15 दिन बाद अरे यार मैं तो दो दे सकता हूँ, टाइम है मेरे पास ने एक ही दिया है, मैं रिलैक्स होता हूँ, वो व्यक्ति पास नहीं हो पाया। तो क्या आपको करना होगा, आपने प्लान करना होगा एंड यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ योर गोल। यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ योर गोल। ऐसा मत करिए कि अभी दो करता हूं 15-20 दिन बाद प्रिपरेशन, नहीं, अभी एक क्लैरिटी रखिए कि एक देना है तो एक, दो देना है तो दो। एंड आई टेल यू कोई भी सही गलत नहीं होता इसमें कि एक देना सही है दो देना सही है, एक या दो का कोई बात ही नहीं। वंस यू हैव फेल्ड ना, तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस कि आप एक देंगे या दो देंगे। यू नॉट अ फ्रेश, ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास एक साल है, अभी आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए हैं, एक साल बाद प्रोफेशन देने वाले हैं, या फाउंडेशन क्लियर हुए एक साल बाद आप एग्जीक्यूटिव देने वाले हैं, देन आप फ्रेश तरीके से सोच रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, तो केयरफुल रहिए। एंड मैं बहुत ही ब्लेटेंटली बात करूंगा बेटा जी, और मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे भी ब्लेटेंटली सुने, क्योंकि अभी अगर हल्का सा बुरा भी लगता है इट इज ओके, बट अच्छा कब लगना चाहिए, जब जून अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन होगा और 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा, तब आप बच्चों ने उतने ही खुशी से बोलना है कि सर अब तूफान तरीके से क्लियर हो गए, अब प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए। जो एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए प्रोफेशनल की तैयारी करेंगे, प्रोफेशनल क्लियर हुए इंटर्नशिप की तैयारी करेंगे, तूफान मचा देंगे। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, एक्सेप्ट करना है अच्छे से सबसे पहले, थोड़ा दिन लगेंगे चलेगा, एंड देन यू हैव टू प्लान, गेट्स दैट क्लैरिटी, कि क्लैरिटी चाहिए एक के दो बस, उसका मेन क्या, कोई भी डिसीजन लो बट फिर वो चेंज नहीं करना है, वो डिसीजन फिर चेंज नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद में तीसरी चीज है जिसमें हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूशन। फिर आपको एग्जीक्यूशन पे आना, क्या आपने प्लान कर लिया एक ग्रुप देना है, तो आप एग्जीक्यूट करो कि एक ग्रुप की तैयारी कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है, किस सब्जेक्ट को कम समय देना है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में एक चीज कंपल्सरीली आपको इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज एग्जीक्यूशन में टेस्ट सीरीज देनी है, मतलब देनी है। कोई भी व्यक्ति सोचता है नहीं हम पढ़ेंगे सीधा हम एग्जाम दे देंगे, नहीं, टेस्ट सीरीज को 100% अपने प्लान के अंदर रखिए। एंड ये करो, कोई ताकत इस दुनिया की आपको नहीं रोक सकेगी एग्जाम क्लियर करने से। एंड मैं आपको कह रहा हूं, आप जो बच्चे भी क्लियर हुए ना उन बच्चों से पूछो कि क्या ऐसा उनके साथ भी कभी हुआ था, क्या 110% उनके साथ भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब आपको कभी भी देखते हैं ना कि ये बच्चे, अरे यार ये बच्चे इतना ऐसे आ गए, इतने ऐसे आ गए, नहीं 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 ऐसा नहीं है। इनमें से बहुत बच्चे जो भी सीएस बने हैं ना, वो बच्चे बहुत परेशान हुए हैं पहले, वो फेल हुए हैं पहले, एंड दे हैव टू, दे हैव इंश्योर्ड कि नहीं वो बने रहेंगे और वो आगे जाके क्लियर हुए और आज सीएस। तो आपने बस ये चीज का ध्यान रखना है एंड यू विल डू वंडर। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट चीज यारो, ये कोर्स किन बच्चों के लिए, चीज का ध्यान रखना है, ये कोर्स हर उस बच्चे के लिए जो बना रहेगा, जो डटा। कभी कभी प्रोफेशनल कोर्स में परेशानी हो जाती है, लेकिन छोटी मोटी परेशानी से घबराने का नहीं है, आपको डबल मेहनत करके अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड ये कोर्स वो मांगता है यार, ये कोर्स वो पेशेंस मांगता है, ये कोर्स वो डिटर्मिनेशन मांगता है। तो अगर आप इस कोर्स में आए ना, यू हैव अग्रीड टू ऑल ऑफ दीस थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल टूटना नहीं है, एकदम मस्ती से खुद को समेटना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरीज हैं कि सर मैं भी आपको डिस्कस करूँ कि मुझे इतने सारे जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं उनको भी मैं यहाँ पे आंसर करते हुए चलता हूँ, ताकि हर एक बच्चे तक हर एक पॉइंट चला जाए। तो पहले तो जो बच्चे हैं कि क्लूलेस हैं, सर क्या करें, तो बेटा जी मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन दिया, ये करना। दूसरी चीज, बच्चों का ऐसा है कि सर अब हमने दिसंबर अटेम्प्ट के हिसाब से पढ़ा था, अब जून के लिए सर जो अमेंडमेंट्स आए होंगे या सर कुछ एडिशन आया होगा तो उसका। बेटा जी अमेंडमेंट्स बोलो, कुछ भी एडिशंस बोलो, या जो भी रिविजन्स बोल दीजिए, मैराथन रिविजन्स बोल दीजिए, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, ये सब 110% आपको। कौन से अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हर अटेम्प्ट में होता है, इस अटेम्प्ट में भी होगा, तो बिल्कुल घबरा नहीं। कभी कभी हम जब पैनिक स्टेट में होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता है, हमें जो क्वेश्चन आता है हम उसको फेंकना चाहते हैं। चिंता मत करो, ये 100% होने ही वाला। ठीक है, अनाउंस कब होगा, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अगर आपको चाहिए तो बस आप एक टेलीग्राम चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रखिए, शुभम शुक्लेचा मेंटरशिप और हमारा इंस्पायर अकेडमी, ये दो टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों को ज्वाइन करके रखिए, ताकि अगर कोई भी अपडेट होगा तो वहां से आपको मिल जाए। ठीक है, मस्ती में कोई परेशानी की बात नहीं, ये दो चीजें। ठीक है,
अब आती है तीसरी बात कि चलो ठीक है सर, अमेंडमेंट्स वगैरह का भी अपने कहते हैं कि सब हो जाएगा तकरीबन अगले 15 दिन में, यू विल गेट द अनाउंसमेंट आल्सो कि अमेंडमेंट लेक्चर्स कब होने वाले हैं वगैरह, क्योंकि एक बार आईसीएसआई के अमेंडमेंट लेक्चर्स तो आने दो, एक बार आईसीएसआई के अमेंडमेंट लेक्चर्स आ गए तो उसके बाद में अमेंडमेंट लेक्चर्स हम भी देंगे। एक दूसरी चीज, अब तीसरी चीज ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों के अलग 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 डाउट आते हैं, उसमें से एक डाउट कुछ बच्चों का ये भी आता है दैट सर मेरे को इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, शुड आई कंटिन्यू इन दिस कोर्स, सर मुझे इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, शुड आई कंटिन्यू इन दिस कोर्स, बताइए। No one can tell you whether you should continue or not. You also know that you want to continue. आप भी चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू करें, बस आपको हमारे मुंह से सुनना है कि नहीं बेटा तू लगा रहे तेरे को 100% सक्सेस मिलेगी। आपको अपने माता पिता से बस ये बात सुननी होती है, दिस इज सिंपली परमिशन विच यू वांट, आई एक्सेप्ट इट। तो बेटा जी आप बस बने रहो, आपको बिल्कुल कुछ भी सेकेंड थॉट देने की आवश्यकता नहीं, इररिस्पेक्टिव कि कितने अटेम्प्ट लगे। किसी बालक को लगता है कि मेरे को तो अटेम्प्ट लग गए तो मैं अब दूं कि नहीं दूं, तो ये सब थॉट्स अपने दिमाग में मत लेकर, ये सब थॉट्स अपने दिमाग में मत लेकर आइए, फ्रेश तरीके से आगे बढ़िए। अब इसके अंदर क्या करना होता है जीवन में, तो ये मैं मेरे जीवन में दूसरी चीजों में भी इंप्लीमेंट करता हूँ, यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करिए। नेवर टेक अ डिसीजन व्हेन यू आर हर्ट, जब आपको बुरा लगा है, जब आपको किसी कारण से आघात पहुंचा है, तब कोई डिसीजन मेकिंग मत करिए, पैनिक स्टेट में कोई डिसीजन मेकिंग मत करिए, तब लिया हुआ डिसीजन आप हमेशा रिग्रेट करते हैं। अगर जब आप शांत हो जाते हैं तब भी आपका वो डिसीजन है तो उस पर बने रहिए, कोई परेशानी नहीं। तो व्हाट इज माय सजेशन फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड, उनको क्या करना चाहिए, वही 2 दिन का कंप्लीट रेस्ट लो, पूरे दिमाग से पढ़ाई को हटा दो, 2 दिन का कंप्लीट रेस्ट लो और 2 दिन के बाद फ्रेश तरीके से सोचिए। आप एक पैनिक स्टेट में डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद में आप रिग्रेट करते हैं, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको जीवन भर रिग्रेट रहेगा। 3-4 दिन फिर भी आपको लगता है कोई चीज आपको करनी तो कर लीजिए, कोई दुनिया में व्यक्ति आपको रोक नहीं। देखो जबरदस्ती तो कोई प्रोफेशन को सही नहीं करता, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगने वाली है कि आपको कोई रोज डेली बोलेगा पढ़ 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 पढ़, आप नहीं पढ़ सकते। Determination should come from within, ठीक है? तो जिस भी बच्चे को ये घबराहट है ना कि मैं करूं नहीं करूं, 2-3 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो उस बार विचार करिएगा। जहां तक मैं जानता हूं आप बच्चों को, 2 दिन का अगर आपने ब्रेक लिया ना तो 2 दिन के बाद में आपके दिमाग से थॉट वैसे भी निकल जाएगा, यू वुड वांट टू स्टडी एंड गेट टू जून, ठीक है बेटा जी? तो इसे एक और चीज का ध्यान रखो, अगर वो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। अभी आता है एक और बच्चे को प्रॉब्लम आती है, सर यार ब्रेक इतना हो गया है, अब वो फ्लो कैसे बनाए समझ में, फ्लो कैसे, सर यार इतना ब्रेक हो गया ना कि फ्लो कैसे बना। तो आप बच्चों के थोड़ा सा फ्लो और रूटीन बनाने के लिए मैंने पहले भी एक चीज की थी, वापस वो चीज कर रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर इट एज वेल। हो जाए बेटा जी, तो आई विल अनाउंस द डेट फ्रॉम विच वी विल अगेन स्टार्ट द 6 AM क्लब। आप मान के चलिए अभी मैं आपको प्रॉक्स दे देता हूं, 1st of March, 1st of March से हमारा वापस 6 AM क्लब स्टार्ट हो जाएगा। 6 AM क्लब का उद्देश्य क्या होगा, इतना सा होगा कि डेली सुबह 6 बजे मैं उठेगा, मैं डेली सुबह 6 बजे आपके साथ में यूट्यूब लाइव या इंस्टाग्राम लाइव या किसी प्रकार से लाइव आऊंगा, ठीक है, फॉर हार्डली 5 to 10 minutes, कुछ ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए मैं लाइव आऊंगा। द पर्पज इज यू शुड स्टार्ट योर रूटीन एट 6 AM, एंड 6 AM तो मैं लेट से लेट कह रहा हूँ, यू शुड गेट अप एट 5 आइडियली, बट लेट से लेट 6 बजे तो हर एक बालक को उठना है। तो आपके साथ में हम लोग 6 AM क्लब करेंगे 1st March से 15th March, कोई संडे की छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, 1st March से 15th March तक बैक टू बैक हम लोग 6 बजे सुबह मिलेंगे। कुछ पढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पे आपके रिविजन सेशन जो मैं लूंगा सेपरेटली लूंगा, मैराथन जो होता है वो सब अलग, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ 6 AM क्लब की, वो सिर्फ टू फॉर्म अ रूटीन। तो जो बच्चों को ऐसा लग रहा है सर रूटीन कैसे सेट करें, मैं अभी कह रहा हूँ 28th तक जो करना है कर लो, ये मान के चलिए कि 1st of March मॉर्निंग 6 AM से रूटीन बैठना चाहिए। पहले बस प्लानिंग बना लो, 1st March को सुबह 6 बजे मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है? एंड द पर्पस ऑफ द 6 AM क्लब आई रिपीट इज टू एंश्योर दैट यू पीपल ऑर्गेनाइज अ श्री। 6 AM पे मैं मिलूंगा आपसे, 5-10 मिनट रुकूंगा लाइव, एंड आई विल डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 15 डेज। अगर आप बच्चे 15 दिन डेली उठ गए तो वैसे भी आप लोगों का रूटीन सेट हो जाए। अब ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने वाला वैसे भी भाई साहब बहुत विद्वान बन जाता है, अब चिंता ही मत करिए। देयर इज अनदर अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस, बिना जी मस्ती में आप बस पढ़ाई करते रहो, आप बस एक मन बना लो कि आपको पढ़ना है ना, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेंगी। थोड़ी दिन पहले मैं आपको एक मूवी सजेस्ट की थी सीक्रेट्स, आप जनरली मैं क्लास में भी इधर उधर भी डिस्कस करता रहता हूँ गीता के बारे में, तो कृष्ण जी ने भी ये कहा हुआ है, हर जगह जो रख जाओगे, तो हमारी मूवीज में शाहरुख खान ने भी ये कहा हुआ है भैया जी, कि अगर आप कोई चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे ना
तो वो पूरी कायनात उसको प्रैक्टिकल बनाने में लग जाती है। तो यही चीज गीता में भी लिखी हुई है कि अगर आपने इमेजिन कर लिया, आप सोच लेते हो कि ये चीज ऐसा होने वाला है, तो चीज वैसा ही होने वाला है। द सीक्रेट में भी वही तो कहा है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपने अगर कोई चीज सोच ली है तो वो होने ही वाली है, बस उसी मानसिकता से आगे बढ़ना। ठीक है बेटा जी, तो ये एक और चीज हो गई क्लोज। कितने सारे डिस्कशन कर लिया, क्या बात। अब कैसा है बेटा जी, एक और चीज हर एक बच्चे का, क्योंकि कुछ बच्चों के ये भी क्वेरीज आते हैं कि सर हमने जस्ट अ फ्यू मार्क्स से हमारा एग्रीगेट मिस हुआ है, हम क्या करें। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि सर हमारा तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस रहा है हमारे अपेक्षित मार्क्स में और एक्चुअली जो मार्क्स है। समझ में आया, एक बच्चे वो जिनका एग्रीगेट बहुत ही कम मार्क्स से मिस हुआ है, कि हाँ बस 5-10 नंबर इतने से मार्जिन से हमारा एग्रीगेट रह गया, अदरवाइज तो हम सीएस बन जाते, अदरवाइज हम एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाते, ये एक है। दूसरी कैटेगरी में बच्चों की, सर हमें अपेक्षा बहुत ज्यादा मार्क्स की थी, हमारे पेपर काफी अच्छे होते बट हमें बहुत ही कम मार्क्स हैं, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू हैव गॉट इन द रिजल्ट। आप बच्चों ने क्या करते हैं, आप बच्चों ने स्टेप वन कॉपीज के लिए अप्लाई कर दिया, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, आप बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, समझना, जो एग्रीगेट में कम है बच्चे उन्होंने तो 100% रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना ही है, जिनका ह्यूज डिफरेंस है उन बच्चों ने कॉपीज के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, कॉपीज के लिए अप्लाई करने के लिए आपका आरटीआई का रूट है, तो आरटीआई के रूट से अप्लाई कर दो, तो आरटीआई के रूट से बहुत कम एक्सपेंस में आपको कॉपीज मिल जाएगी जिनका ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन जो बच्चे ऐसे आरटीआई में जब कॉपी के लिए अप्लाई करते हो तो रिवैल्यूएशन नहीं होता। क्लियरली सुनना मैं जो कह रहा हूं, जिन बच्चों का ह्यूज डिफरेंस है जो उनकी अपेक्षा थी और उसमें, तो आरटीआई से कॉपी मंगवा लीजिए, जिनको मार्क्स बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं लगता है मार्क्स बढ़ेंगे, बट हम जानना चाहते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है, वो आरटीआई से कॉपीज मंगवा लो। और जिन बच्चों का ऐसा है कि नहीं यार सर हमारा तो छोटा सा ही इतना सा एग्रीगेट में डिफरेंस, तो आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाकर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, फिर आपका जो भी रिवैल्यूएशन हो जाएगा एंड इफ पॉसिबल आपको ऐसी अपेक्षा कि मार्क्स बढ़ जाएंगे और क्लियर हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने रिवैल्यूएशन के अप्लाई। बट हैविंग सेड दैट, स्टेप टू सिंसियरली फॉलो करना है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट and you have to start stuff. You'll have to start stuff. क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि रिवेल का रिजल्ट आएगा, कॉपीज आएगी, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, तो असंभव हो जाएगा जून भी, because this would take 30 days time. इनको 30 days लगने वाले हैं आपको आपकी कॉपी का। ठीक है, हाँ, और कोई व्यक्ति मत पूछना कि प्रोसीजर क्या, प्रोसीजर ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी सर्च करो, आरटीआई का भी मिल जाएगा आपको, रिवैल्यूएशन का मिल जाएगा, वो आप थोड़ी सी मेहनत करो आपको प्रोसीजर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट स्टेप, you have to start studying from now on, presuming कि रिवेल में मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, हमें एग्जाम तो देना है, रिवेल में बढ़ गए तो बोनस, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 99% चांस है कि रिवेल में मार्क्स नहीं बढ़े, वो मार्क्स नहीं बढ़ाते। तो आप रिवेल में दीजिए जरूर, बिकॉज हजारों में एक के से बढ़ भी जाता है, लेकिन उससे अपेक्षा मत रखिए, पढ़ाई आपको शुरू अभी से करनी है। देखो मेरे लिए कहना आसान है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना ही है। आप खुद से विचार बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये करना है, मतलब करना। ठीक है, तो apply for it and then parallelly start stuff. ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ पे routine मुश्किल से बन रहा है, again वही ब्रह्मास्त्र test series join करो कहीं पे भी, भगवान online इतनी test series आप Google भी करोगे ना, best test series आपको मिल जाएगी, कोई भी test series आपको join करनी हो करो। हमारे registered students हैं, उनको syllabus के end पे हमारी test series मिलती है, आप वो दो। जो बच्चे ऐसे ना जो self study कर रहे हैं, आज की तारीख में YouTube पे majority students मुझे ऐसे follow कर रहे हैं क्योंकि self study कर रहे होंगे मान के, अब अगर self study करें तो आप online search करो तो आपको हजारों test series मिलते हैं, कोई भी test series join कर लो चले। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर गुड, ऑल ऑफ देम आर नाइस, स्टार्ट स्टार्ट। ठीक है, एंड जस्ट बी डिटरमाइंड एंड यू विल बी सॉल्व, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस किड्स जो बच्चों का ये पर्टिकुलर इशू। ठीक है, तो उसके अंदर रिवाइल के लिए अप्लाई करिए, बट तुरंत प्रभाव से पढ़ाई शुरू करते हैं, वापस 1 मार्च को आ जाओ मेरे साथ, सुबह सुबह तब से पढ़ाई शुरू करके, बस साथ में कोई चिंता की बात नहीं, तब तक प्लानिंग करके रखो, यानी कि 6 बजे उठ गए, हाँ शुरू से आ गए, अब सब तो चले गए, अब क्या करें, सो जाता हूँ। यू शुड हैव अ प्लान बिफोर है, पहले से प्लान बनाओ, 6 बजे उठ के मुझे मुझे कौन सा ये दो सब्जेक्ट्स उस दिन पढ़ने, तो 1 मार्च को दो सब्जेक्ट ही मुझे पढ़ने, तो आप पहले से एक प्लान बना कर रखो, ये सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ना है, तो 6 बजे उठ गए तो सब्जेक्ट पढ़ना तो शुरू कर दे, तो प्लान पहले से कर लो, पढ़ाई चाहिए तो 1 मार्च से शुरू, कोई परेशानी। ठीक है बेटा जी, तो यही सबसे ज्यादा जो मेजर चीजें थी जो मुझे आप बच्चों से डिस्कस करना। ठीक है, अब यारों ऐसा है कि अगर आप बच्चों का ऐसा है कि इनमें से अलावा इनके अलावा कोई और इशू है, सर नहीं कि ये आपने डिस्कशन तो कर लिया, हमने क्या डिस्कशन कर लिया, जनरली मोटे तौर पे जो मुझे मेजॉरिटी बच्चों के मैसेजेस थे कि सर क्लूलेस हैं क्या करें, तो पहले स्टेप उनसे बात कर ली।
ठीक है, उसके बाद में अमेंडमेंट्स वगैरह का, तो ठीक है मैंने आपको बता दिया कि उसका अनाउंसमेंट कर देंगे हम 10 से 15 दिनों के अंदर। उसके बाद में कभी भी आपने पैनिक करना ही नहीं है, पैनिक स्टेट में लिया हुआ डिसीजन गलत है। तो कोई जो लोग छोड़ रहे हैं हम करें या नहीं करें, टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू डेज एंड देन यू डिसाइड। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा पढ़ाई शुरू कैसे करें, दे वांट अ मोटिवेशनल पुश, तो बेटा जी मस्ती से चीजें मैंने कहा 6 AM क्लब में स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 1st of March तब आ जाएगी आप साथ। और उसके बाद में ये दो टाइप के बच्चे, जिन बच्चों को ऐसा लगा बहुत छोटे मार्क्स से हम लोग मिस हो गए, या जिनको लगता है हमारी अपेक्षा और एक्चुअल मार्क्स में बहुत डिफरेंस था, वो ये चीज फॉलो करिए एंड इस प्रकार से एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट दिस। ठीक है, देखो कैसा है बेटा जी यार, कि कहीं ना कहीं यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू चेंज योर फ्यूचर। तो अगर अभी आप इस बात पे रोते ही रहेंगे ना कि अरे मैं निकल जाता तो ये हो जाता, नहीं हो पाया, तो एंश्योर के अगले अटेम्प्ट में आपने किसी भी हालत में निकला। ठीक है, एंड मैं कह रहा हूँ लिख के जरूर, जो बच्चे अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं इन्होंने दुख पहले देखा है और फिर ये इस मुकाम पे आए कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझ में आया आपको? तो आपको भी उस मुकाम पे जाना है, तो अभी रोना नहीं है और अभी मेहनत करना शुरू कर दे। आज से 5 साल बाद 6 साल बाद कोई भी याद नहीं रखने वाला है कि क्या हुआ था, एवरीवन इज गोइंग टू रिमेंबर अरे दिस गाय इज अ सीएस, दिस गाय इज अ पर्टिकुलर हैज अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री एंड दिस गाय इज डूइंग सो वेल इन लाइफ, नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट दीस 6 मंथ्स। सो डू नॉट ओवरथिंक अबाउट द रिजल्ट, टेक अ ब्रेक, अब्सॉर्ब द इमोशन, समझो अच्छे से हो गया फेल, ये मेरी गलतियां थी, इस पे काम। ठीक है, उसके अलावा बेटा जी जब आप बच्चे यहाँ पर आपको आपकी कॉपीज मिल जाती है ना, आपने कॉपीज मंगवाई है, आपको आपकी कॉपीज मिल जाती है, तब आप बच्चे मुझे कॉपीज भेज सकते हैं और मैं उस पर शायद से आपको कुछ स्थिर ओपिनियन या सजेशन दे पाऊंगा कि क्या करना है उसके अंदर। कैसा होता है बेटा जी, अभी आप लोग जनरली ऐसा कहते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन सजेस्ट यू समथिंग। मैंने इस वीडियो में वैसे कवर करने की कोशिश की हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन वो काफी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझे आपकी कॉपी भेज पाते हैं तो मेरे लिए काफी आसान हो जाता है आपको सजेस्ट करना कि ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है, एक और चीज को लेकर मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहूंगा कि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है कि मैं इमीडिएटली रिप्लाई कर लूं, बिकॉज द क्वांटम इज रियली रियली ह्यूज, बट मैं कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चे की परेशानी मैं पर्सनल लेवल टू द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट्स सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो यू सेंड इट टू मी, हैव सम पेशेंस, आई विल सर्टेनली गिव अ फीडबैक थ्रू एन ऑडियो नोट। ये बेटा जी तो आज के लिए यही कहना चाहता हूँ, जस्ट बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा होगा आपके साथ जस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको लगता है उसका कोई इशू था जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ, कि कोई भी दिमाग में सर ये इशू है ये पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूं, तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे कि हमेशा हम हेल्पिंग हैंड में करते हैं, क्या बच्चे इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपको कि और आपको अगर कोई चीज पे ऐसा चाहिए सर इस सिनेरियो वीडियो में ये इशू कवर नहीं हुआ, इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, आप कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हम सब बच्चे जो सीएस बने हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नीचे के कमेंट सेक्शन को रैदर देन जस्ट बींग क्वेश्चन का सेक्शन यू कैन मेक इट अ डिस्कशन का सेक्शन एंड आप बच्चे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो सीएस बन चुका है वो अगर यहाँ पर, मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को कहूंगा, वो लोग यहाँ पर उनके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस ऐसे रहे उनको मैं तो वापस आंसर करूंगा इसी, जैसे कि आप पहले भी देखोगे हेल्पिंग हैंड के, देन फर्दर एपिसोड ले आऊंगा मैं थोड़े दिन बाद episode 2 करके, उसके अंदर मैं आंसर दे दूंगा आपको। लेकिन अगर कोई भी चीज आप अपने सीनियर से ही सुनते हैं तो वो ज्यादा डायरेक्टली दिल पर हिट करती है, राइट, उसका एक मजा है, उस तरीके से करिए। एंड बेटा जी खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। I am really proud on each and every one of you जिस बच्चे ने अपने 100% efforts दिए थे। ठीक है, result एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में होती है। तो अभी आप खूब 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 मेहनत करके जो अगला result है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जी जान से यारो भिड़ो, तूफान मचा दो, तूफान 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 मचा दो। मेरी तरफ से आपको तूफान अमेंडमेंट लेक्चर मिलेंगे फॉर कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, कॉर्पोरेट फंडिंग, MCS, IBC. You have my word on that. मेरी तरफ से आपको तूफान मैराथन सेशंस मिलेंगे, यू हैव माई वर्ड ऑन दैट। एंड बेटा जी आप लोग जी जान से पढ़ाई करिए। ठीक है, जो बच्चे भी रेगुलर बैच चल रहा है जूनियर टाइम के बच्चों के लिए, आप लोग लेक्चर्स खत्म करिए, मस्ती से फोकस करिए लेक्चर्स कंप्लीट करने का, एंड देन आपके लिए भी रिविजन अमेंडमेंट सब रहने का। ठीक है, तो यार दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर द लव यू पीपल ऑलवेज शेयर ऑन मी, एंड आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो 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 वेरी मच। एंड कोई भी चीज अगर आपको लगती है ना तो आप इसके कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं। And that's it. और पॉजिटिविटी फैलो, अगर कोई आपका अप्रिसिएशन मैसेज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में रखिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।